पुण्यश्लीला नर्मदा नदी का जल से उज्जैन शाजापुर के लोगों को उपलब्ध कराने को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NVDA ने पानी की कीमत निर्धारित कर ली है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को नर्मदा का पानी 29.68 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मिलेगा और घरेलू उपयोग के लिए नगरीय निकायों को यही पानी 21.99 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मिलेगा। किसानों को 1250 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के लिए 4 से 5 बार पानी मिलेगा और मालूम हो कि उज्जैन शाजापुर जिले के 100 गांवों की 30,000 हेक्टेयर जमीन को सींचने और लोगों की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों जिलों में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय योजना अंतर्गत पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। योजना 1856 करोड़ रुपये की है। लगभग 90% काम पूरा हो गया है और शेष काम दिसंबर में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। अभी उज्जैन के जीवनखेड़ी गाँव और नागदा हिल में पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर 2018 को नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय योजना का भूमि पूजन किया था और तब कहा था कि 1400 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन के जरिए ओंकारेश्वर जलाशय से 15 क्यूसेक नर्मदा का जल शिप्रा गंभीर और काली सिंध नदी के कछारों तक लाया जाएगा और इससे उज्जैन शाजापुर मक्सी में जल संकट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।